हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू आवर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर फ्लावर्स प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं एक रिच सोर्स ऑफ नेक्टर होते हैं कंप्लीट भी हो सकते हैं इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें सेपल्स पेटल्स स्टेमिन एंड पिस्टल होता है और इनकम्प्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें इस तरह के एक या इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स मिसिंग होते हैं कंप्लीट फ्लावर में टू डिफरेंट पार्ट्स होते हैं तो वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ प्लानिंग प्लांट्स में क्या होता है कि मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट में बॉर्न होते हैं या तो एक प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे या उस प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे इस तरह के प्लांट्स को हम डायोशियस प्लांट्स कहते हैं इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके डेट पाम एंड पपाया आप डीपी से इसे याद कर सकते हो डायोशियस प्लांट्स डिफरेंट प्लांट्स डेटपाम एंड पपाया अब जब होता गया है दो एक ही पौधे में मेल फ्लावर्स भी होते हैं फीमेल फ्लावर्स भी होते हैं तो उनको हम मोनोशियस फ्लावर्स बोलते हैं मोनोशियस प्लांट्स बोलते हैं और इनके एग्जाम्पल्स होते हैं आपके कोकोनट एंड मेज नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर की वेजिटेटिव पार्टस ऑफ ए फ्लावर में क्या होता है पेटल्स होती हैं जो कि बहुत ही ब्राइट कलर्ड होती हैं और ये ऐसा पार्ट है जो बीज को अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है जो पेटल्स का कलर है वो प्लांट टू तो प्लांट वेरी कर सकता है कुछ प्लांट्स में बहुत ब्राइट होती हैं कुछ में पेल कलर्ड होती हैं सेपल्स में क्या होता है सेपल ग्रीन कलर्ड होती हैं पेटल्स के नीचे ताकि वो राइजिंग बर्ड्स को रोटेट कर सके अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर की फ्लावर्स में क्या होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी होते हैं स्टेमेंस एंड पिस्टल फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट्स भी हो सकते हैं मेल पार्ट्स भी हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं अब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लार हैं वो आपके सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टेमिन के बारे में स्टेमिन एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उसको हम एंड्रोशियम भी कहते हैं इसमें दो पार्ट्स होते हैं एंथर एंड फिलाेंट एंथर एक येलोइ सैक्लाइ स्ट्रक्चर होता है जो कि पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है और उनको स्टोर भी करता है फिलामेंट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जिसके ऊपर एंथर अटैच होता है और ये सपोर्ट करने का काम करता है एंथर को सपोर्ट करने का काम करता है नेक्स्ट आ जाता है आपका पिस्टल पिस्टल आपका इनर मोस्ट पार्ट होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है फ्लावर का जिसमें थ्री पार्ट्स होते हैं फर्दर स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी इसको कलेक्टिवली हम पिस्टल कहते हैं स्टिग्मा एक टॉप मोस्ट पार्ट या है कार्पल्स का स्टाइल एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्लेंडर स्टॉक होती है जो कि आपके स्टिग्मा और ओवरी को आपस में कनेक्ट करती है ओवरी एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं अब हम बात करेंगे वॉल्स के बारे में फ्लावर में फोर टाइप्स ऑफ वॉल्स होते हैं एक टिपिकल फ्लावर में एक ब्रॉड बेस होता है या थैलेमस कह सकते हैं उसको जिसके ऊपर फोर टाइप्स ऑफ वॉल्स होते हैं तो सबसे पहले वॉल्व हो जाता है आपका कैलिक्स कैलिक्स जो है आपका आउटर मोस्ट वॉल होता है फ्लावर का इसमें सेपल्स होते हैं टाइनी लीव्स होती हैं बेस ऑफ द फ्लावर में ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज कुछ प्लांट्स में कलर्ड सेपल्स भी होते हैं तो इस तरह के प्लांट्स को हम कलर्ड सेपल्स को हम पेटेलॉइड भी कहते हैं अगर सेपल्स फ्री होते हैं अलग अलग होते हैं तो कैलिक्स को हम पॉलीसेपल्स बोलते हैं और अगर ये फ्यूज्ड होते हैं यूनाइटेड होते हैं तो इनको हम कैलिक्स को हम गैमोसेपल्स कहते हैं मैनी फ्लावर्स में क्या होता है सेपल्स फॉल हो जाते हैं मतलब फ्लावर ओपन होने से पहले ही सेपल्स फॉल हो जाते हैं इस तरह के सेपल्स को हम कैडोकस कहते हैं और कुछ में फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल्स फॉल होते हैं इस तरह के सेपल्स को हम डेसडोस कहते हैं जो परसिस्टेंट सेपल्स होते हैं वो फ्रूट बनने तक परसिस्ट करते हैं नेक्स्ट आ जाता है आपका कोरोला करोला आपका सेकेंड वर्ल्ड ऑफ ए फ्लावर है इसमें पेटल्स होते हैं जिसके दो फंक्शंस होते हैं एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और पोलीनेशर्स को जो पॉलीनेटर्स हैं आपके बीज इंसेक्ट्स वगैरह इनको अट्रैक्ट करने का काम भी करते हैं पेटल्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं सेंटेड भी होते हैं ताकि एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सकें इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए और जो कैलिक्स एंड कोरोला है उसको कलेक्टिवली हम पेरियंथ भी कहते हैं नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेमेंस स्टेमन्स को हम थर्ड बॉल ऑफ ए फ्लावर भी कहते हैं और ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसमें एक फिलामेंट होता है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सर्कुलर स्ट्रक्चर एंथर टॉपर होता है एंथर में पॉलिन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करते हैं और जो स्टेमन्स हैं सारे स्टैमेंस में फर्टाइल एंथर्स नहीं होते हैं एंथर्स में एंथर में टू एंथर लोब्स होते हैं जिसमें पॉलिन ग्रेन्स होते हैं पॉलिन ग्रेन्स बहुत ही छोटे साइज के होते हैं जस्ट लाइक द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट हर पॉलिन ग्रेन में एक डबल लेयर थिक वॉल होती है आउटर वॉल जो होती है पॉलिन ग्रेन की वो वॉटर प्रूफ होती है और कई बार स्पाइनस स्पाइनस आउटग्रोथ्स भी होती हैं उसमें और उसके अंदर एक स्मूथ लेयर होती है जिसको हम इनर वॉल कहते हैं और मेल गेमिट्स जो हैं वो आपके पॉलिन ग्रीनस के अंदर बनते हैं लास्ट आ जाता है आपका कार्पेल जो कि फोर्थ वॉल ऑफ ए फ्लावर है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है कार्पेल्स कंटेन द पिस्टल कार्पेल में पिस्टल होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर होता है इसमें ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा है एग और दूल इज प्रेजेंट इन द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन कई बार ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है टू कीप द सीड एट द टॉप ऑफ एवरी इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल स्टाइल स्टिगमा को सपोर्ट करने का काम करता है जो डिस्पर्स फॉलेंस होते हैं वो स्टिग्मा पर स्टिक हो जाते हैं और ओवरी के थ्रू ट्रेवल डाउन करते हैं थ्रू द स्टाइल सो दैट्स ऑल फॉर द डे अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू सो मच